साल 1983 जिक्र आते ही याद आता है वर्ल्ड कप, भारतीय क्रिकेट के लिए उजाले की किरण। इतिहास इसी तरह याद रखा जाता है, लेकिन इतिहास सिर्फ उजाले से नहीं बनता, उसके हिस्से की कालिख भी साथ साथ चलती है। इतिहास के पन्नों पर कालिख का एक ऐसा ही निशान पड़ा था फरवरी 1983 में, असम के एक छोटे से गांव नीली के पास 1800 लोगों को भीड़ ने इकट्ठा होकर मार डाला। गैर सरकारी आंकड़ा 3000 मौतों का है। इस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई सबसे बड़ी नरसंहार की घटना माना जाता है। क्यों हुआ था ये नरसंहार? असम में दशकों से चल रहे नागरिकता विवाद से इसका क्या संबंध है, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। नेली में हुए हत्याकांड के पीछे की कहानी एक और बड़े विवाद से शुरू होती है। भारत का पूर्वोत्तर राज्य असम शुरू से ही नागरिकता के विवाद से जूझता रहा है। भारत में आज़ादी के बाद जो पहली जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी। इस जनगणना के आंकड़ों को एक साथ इकट्ठा करके आगे की योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इसके लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी कि NRC बनाया गया, जिसमें सारे आंकड़े दर्ज किए गए। योजना पूरे देश के लिए थी, लेकिन असम इकलौता ऐसा राज्य था जिसने NRC को मान्यता दी और अपने प्रदेश में लागू किया। इसका मुख्य कारण था नागरिकता विवाद। असम में समय समय पर बाहर से आकर लोग बसे और बसाए गए थे। आज़ादी के पहले अंग्रेज मध्य और उत्तर भारत से लोगों को असम लेकर आए थे ताकि वो चाय के बागानों में मजदूरी करें। 20वीं सदी की शुरुआत में पूर्वी बंगाल के मीमांसिंह इलाके से लोग लाकर असम में बसाए गए। इसी तरह बंटवारे के बाद पूर्वी पाकिस्तान से आए हजारों लोग असम में बसाए गए। पूर्वी पाकिस्तान में दमन के चलते ऐसे ही वक्त वक्त पर लोगों का कारवां असम में आकर ठहरा। आंकड़ों के अनुसार 1947 से 1951 तक 270,000 रिफ्यूजी पूर्वी पाकिस्तान से असम आए। 1951 से 1961 तक ये संख्या 221,000 थी। वहीं 1971 के युद्ध के बाद रिफ्यूजियों की संख्या में अचानक विस्फोट हुआ और अगले 10 सालों में लगभग 18,00,000 रिफ्यूजी असम में आकर बस गए। रिफ्यूजियों का ये मुद्दा सरकार के लिए बड़ा सरदर्द था। साल 1962 से 1972 तक सरकार ने कई बार ट्रिब्यूनल बनाए ताकि लोगों की नागरिकता की जांच हो सके, लेकिन हर बार ये मुद्दा विवाद के चलते कहीं पहुंच नहीं सका। इस बीच 1963 में विदेश मंत्रालय ने पहली बार चेतावनी दी कि असम में बाहर से आ रहे लोगों को वोटिंग लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। असम धीरे धीरे बारूद का एक ढेर बनता जा रहा था। साल 1979 में हुई एक घटना ने बारूद के इस ढेर में चिंगारी लगा दी। वायु की असम के एक सांसद हीरालाल पटोवारी की अचानक मृत्यु हो गई, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने तय किया कि उनकी सीट पर उपचुनाव करवाए जाएंगे। इसी क्रम में वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू हुई और यहीं से शुरू हुआ हंगामा। इल्ज़ाम लगे कि नई वोटर लिस्ट में गैरकानूनी रूप से रह रहे विदेशियों को भी जोड़ दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जांच में पाया कि ये दावे सही हैं। वोटर लिस्ट में 45,000 ऐसे नामों को जोड़ दिया गया था जो गैरकानूनी थे। जैसे ही खबर बाहर निकली, असम में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन नाम का छात्रों का एक संगठन इन प्रदर्शनों में सबसे मुखर था। उनकी मांग थी कि 13 और जिलों की वोटर लिस्ट सार्वजनिक की जाए। इस मामले में 27 अगस्त 1979 को असम में एक ऑल पार्टी मीटिंग रखी गई। सब पार्टियों ने मिलकर यह तय किया कि जब तक वोटर लिस्ट से विदेशियों का नाम नहीं हटा लिया जाए, तब तक असम में कोई चुनाव नहीं होगा। छात्रों के इस विरोध का नतीजा ये हुआ कि 1980 में हुए लोकसभा चुनाव में असम की 14 सीटों में से केवल 2 पर चुनाव हो पाए। अगले 2 सालों में असम में जबरदस्त हिंसा हुई। आंकड़ों के अनुसार 1979 से 1982 के बीच 272 हत्याएं, 1404 मारपीट की घटनाएं, 425 आगजनी की घटनाएं और 330 बम विस्फोट की घटनाएं हुई। सरकार और आंदोलन के नेताओं के बीच 23 राउंड की बातचीत हुई, लेकिन हर बार मुद्दा इस बात पर अटक गया कि नागरिकता के लिए कट ऑफ डेट कब की मानी जाए। जनवरी 1983 में आंदोलन के नेता मुलाकात के बाद गुवाहाटी लौट रहे थे, जब उन्हें पता चला कि इंदिरा गांधी सरकार ने चुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव की तारीख 14, 17 और 20 फरवरी रखी गई थी। इस घोषणा के बाद असम ने एक ज्वालामुखी की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसका विस्फोटक नतीजा दिखा 18 फरवरी 1983 को गुवाहाटी के पास एक नेली नाम के गाँव में। नेली गांव गुवाहाटी से कुछ 70 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। 1989 तक यह इलाका नौगांव जिले का हिस्सा था। ज़्यादातर आबादी किसानों की थी। यहां स्थानीय तिवा कोच जनजाति के लोग रहते थे। इसके अलावा 14 गांव ऐसे थे जो मुस्लिम बहुल थे। इनमें से अधिकतर वो थे जो आज़ादी से पहले पूर्वी बंगाल से आकर यहीं बसे थे। अंग्रेज़ों ने पूर्वी बंगाल से आने वाले लोगों को पश्चिम और मध्य बंगाल के इलाकों में बसाया, लेकिन फिर धीरे धीरे आबादी
बढ़ी और ये लोग कोपली नदी के किनारे आकर बस गए। आज़ादी के बाद तत्कालीन सरकार की ज़्यादा अन्न पैदा करो स्कीम के तहत कई अप्रवासियों को भी इस इलाके में बसाया गया था। यानी ऐसा नहीं था कि ये सब मुसलमान अवैध नागरिक थे, लेकिन फरवरी 1983 में घटनाएं ऐसी घटी कि ये सब देखने वाला कोई नहीं था। सरकार चुनाव का ऐलान कर चुकी थी। मकीको किमुरा अपनी किताब द नेली मसाकर ऑफ 1983 एजेंसी ऑफ राइटर्स में लिखती हैं, सेना के 1.5 लाख जवान असम में तैनात किए गए थे, प्रति 57 वोटर एक जवान। पूरा असम युद्ध के मैदान में तब्दील हो चुका था। इतनी तैयारियों के बावजूद इन चुनावों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसकी आंच नीली गांव तक भी पहुंची। 15 फरवरी की बात है, नौगांव जिले में स्थित एक पुलिस स्टेशन के अफसर ने मोरी गांव में तैनात 5वीं बटालियन के कमांडर को एक संदेश भेजा। इसमें लिखा था, खबर है कि पिछली रात नीली गांव के इर्द गिर्द बसे गांव से तकरीबन 1000 असमिया लोग ढोल बजाते हुए नीली गांव के नज़दीक इकट्ठा हो गए हैं। उनके पास धारदार हथियार हैं। नीली गांव के अल्पसंख्यक भयभीत हैं, किसी भी क्षण उन पर हमला हो सकता है। शांति स्थापित करने के लिए तुरंत कार्रवाई का निवेदन किया जाता है। इलाके के लोग डरे हुए थे, उन्होंने घर से बाहर आना जाना बंद कर रखा था। 17 फरवरी को पुलिस बल के 2 ट्रक भरकर जवान इलाके में पहुंचे और गांव वालों को आश्वासन दिया कि वो लोग पास में ही गश्त पर तैनात हैं। सुरक्षा का आश्वासन पाकर अगली सुबह गांव वाले अपने अपने काम पर निकले। तभी पता चला कि नेली के उत्तर पूर्व में बसे बोरबोरी में फसाद शुरू हो गया है। कुछ देर में दंगाइयों ने कपोली नदी के किनारे बसे मुस्लिम बहुल गांव को तीनों तरफ से घेर लिया। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार हेमेंद्र नारायण तब वहीं पर मौजूद थे। अपनी रिपोर्ट में वो लिखते हैं, पहले उन्होंने डेमल गांव के मुसलमानों के घरों में आग लगाई। पहले सफ़ेद धुआं निकला जो जल्द ही काले धुएं में बदल गया और फिर उस धुएं ने लाल लपटों का रूप ले लिया और कुछ ही मिनटों में सारे घर ढह गए। गाँव वालों को लगा इसके बाद वो बख्श दिए जाएंगे, लेकिन ये हमले की शुरुआत थी। लोगों के छुपने की कोई जगह नहीं बची थी। एक एक कर लोगों को मारा जाने लगा। जान बचाने के लिए लोग दूसरे गांव की तरफ भागने लगे। भगदड़ में बूढ़े बच्चे बीमार जो भी पीछे छूटे उन्हें मार डाला गया। अंत में जो लोग CRPF के कैंप तक पहुंचे वही अपनी जान बचा पाए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 1800 के आसपास थी। वहीं अन्य अनुमानों में इस आंकड़े को 3000 के आसपास बताया जाता है। इनमें 70% महिलाएं और 20% बूढ़े थे। नेली हत्याकांड का नाम आप में से काफी कम लोगों ने सुना होगा। इसके जांच कमीशन की कहानी और भी सीक्रेट है। नेली में हुए हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने त्रिभुवन प्रसाद तिवारी की अध्यक्षी में कमीशन बिठाया। कमीशन को अपनी रिपोर्ट 6 महीने में सबमिट करनी थी। बाद में कमीशन का कार्यकाल जनवरी 1984 तक बढ़ा दिया गया। इसके बावजूद कमीशन ने जो रिपोर्ट भेजी उसे कभी पेश नहीं किया गया। त्रिभुवन प्रसाद तिवारी जो बाद में पॉन्डिचेरी के गवर्नर बने, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जांच कमीशन की रिपोर्ट सीक्रेट है। 547 पन्नों की इस रिपोर्ट की सिर्फ 3 कॉपियां तैयार हुई, जिनमें से एक असम सरकार के पास, एक केंद्र सरकार के पास और एक खुद तिवारी के पास। ये रिपोर्ट साल 2023 तक भी सार्वजनिक नहीं हो पाई है। इस हत्याकांड के बाद के सालों में कुल 688 FIR दर्ज हुई, 310 चार्जशीटें पेश की गई, पर नतीजा वही रहा, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोस्निया नाम का एक देश है यूरोप में। बोस्निया की राजधानी है सरायेवो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ नासियों ने यातना शिविर बना रखे थे। बाद में पता चला कि इन शिविरों में रहने वाले यहूदी आपस में लतीफे गड़ा करते थे। एक लतीफा यूं कि जब कोई एक आदमी को मारता है तो उसे जेल होती है, कोई 20 लोगों को मार दे तो उसे पागल करार दिया जाता है, लेकिन अगर कोई 2 लाख लोगों को मार दे तो उसे जिनेवा में शांति समझौते के लिए बुलाया जाता है। यातना शिविरों से निकला यह लतीफा आने वाली दुनिया के लिए संदेश था। नीली में मारे गए लोगों को कभी इंसाफ नहीं मिला। सरकार ने बस 5000 रुपये मुआवजा देकर मामला निपटा दिया। कांग्रेस चुनाव जीत गई। वहीं 1985 में राजीव गांधी सरकार के दौरान असम एकॉर्ड पर हस्ताक्षर हुए, जिनके तहत कि असम में हुई हिंसा में जिन लोगों के खिलाफ FIR हुई थी वो वापस ले ली गई। नीली के लोग 2 हफ्ते बाद वापस अपने गाँव लौट गए और इस घटना को हमेशा के लिए भुला दिया गया। इसी के साथ आज का तारीख का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। ये एपिसोड आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी कमल। जाते जाते आपके लिए एक और खास सूचना, शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इस मेंबरशिप में? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज़ रूम और
किताब वाला जैसे शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के सारे जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या कुछ होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सीनियर सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन सकते हैं। काम करते करते महीने भर ललन टॉप वालों ने क्या मजेदार गड़बड़ियां और गलतियां की, ये BTS माने बिहाइंड द सीन में आप देख पाएंगे। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे। सबसे अलग इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट्स और कमेंट्स में कर पाएंगे। इस मजे के लिए करना क्या होगा, जाना होगा ललन टॉप यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। फिर सिर्फ 69 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप मजा। बाकी पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर मिल जाएगी। शुक्रिया।